में अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस रेट टाउन का जो आइडेंटिफाइड होता है, सिटी टाउन जो 75% ऑफ द मेल वर्कर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस में आउटग्रोथ का अर्बन फीचर्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में होता है। ठीक है, ये चार्ज ठीक है। इंडियन फार्मिंग प्लान को देखो, एक्सेलरेटेड ग्रोथ करना है, सिग्निफिकेंस रखना है, इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबल कमिटमेंट है और ग्लोबल टारगेट है। ठीक है, याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल 11 है ये। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये क्या तुमको एम्फसाइज ऑन अर्बन प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क करने के लिए। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करते हैं, मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस भी करते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी दूर करते हैं। ठीक है, स्टेप्स टेकन इन इंडिया फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्लान, ये देखो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी MPCs बोलते हैं, या फिर DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी हो गया, या फिर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान हो गया। ठीक है, मॉडल बिल्डिंग बाय लेफ्टन सिटी, ये स्मार्ट सिटीज मिशन या फिर अटल मिशन होता है रिजुविनेशन का, और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमृत जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हम बनाते हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड इसमें क्या करते हैं फंड ऑफ 8,000 करोड़ टू स्टेट देंगे। ठीक है, अभी देखो की चलने को से क्लैरिटी हो गया, लिमिटेड एक्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन रेगुलेशन। ठीक है, क्लैरिटी, लिमिटेड एक्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन रेगुलेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें स्पेशलाइज क्वेश्चन करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। ठीक है, अभी देखो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 500 हेल्दी सिटीज होंगे, प्रोग्राम होगा, इसको 5 साल के लिए करते हैं, 500 हेल्दी सिटीज प्रोग्राम होगा, इसको 5 साल के लिए करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस इंडिया के सिचुएशनल असेसमेंट फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड और लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल, इसको कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टेटस ऑफिस करता है। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ काम नहीं, रीजन फॉर राइजिंग इंडिपेंडेंस कौन कौन सा होता है, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होता है, इनएडिक्वेट ग्रोथ होता है, मिटिगेशन मैकेनिज्म होता है, हाई कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लो होता है। ठीक है, एंसेस्टर ऑफ इनहेबिटेड रिस्क में है। ठीक है, फार्म लोन वेवर की वजह से भी होता है, लिटिगेशन की वजह से होता है। ठीक है, अभी देख लो इंपैक्ट कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्ट्रेस सेलिंग हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गया, रूरल पॉवर्टी, लॉस ऑफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें क्या था 6,000 देते हैं 2,000 के 3 किस्त में। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या सारे स्टेज को कवर करते हैं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट भी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ कॉर्पस फंड, इसमें क्या था, ये देख लो 10,000 करोड़ का माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर फंड के लिए, 2,000 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर बनाने हैं, मनी लेंडर डेप्ट रिड्यूसमेंट, इसमें क्या था, वन टाइम मेजर डेलना, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन को हम उसमें लॉन्ग टर्म लोन उसमें दे सके। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर, ये तो क्या 1995 में स्टार्ट हुआ, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म हुई है, मार्केट इसमें क्या होता है, मार्केट एक्सेस को करता है, डोमेस्टिक सपोर्ट को करता है, और एक्सपोर्ट कंपटीशन को बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें देख लो रिड्यूस करता है सपोर्ट को, प्रोडक्शन को, और नॉन ट्रेड कंसर्न को करता है, जो कि फूड सिक्योरिटी या फिर नीड फॉर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, अभी देख लो ग्रीन बॉक्स करता है, एक्सेम्ट करता है फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट के लिए, और फूड सिक्योरिटी पर्पस से दूर करता है। ठीक है, अंबर बॉक्स भी होता है तुमको, डिस्टर्ब करता है प्रोडक्शन को, ट्रेड को। ठीक है, ये हो गया। ब्लू बॉक्स का था तुमको, टेन टू लिमिट द प्रोडक्शन को कम करता है, रिक्वायर करता है फार्मर्स को, लिमिट करता है प्रोडक्शन को। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट से दूर करता है। ठीक है, स्पेशल डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बॉक्स का था, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी था, जो कि सिर्फ डेवलपमेंट और लो इनकम कंट्रीज में देते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट्स ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट आर अलाउड इवन थ्रू द डिस्टॉर्ट रेट, ये देता है डी मिनिमम, ये होता है मिनिमम अमाउंट जो कि इंटरेस्ट में बात है। ठीक है, पीस क्लॉज, ये कहता है प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक सपोर्ट में मेजर्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए होता है। ठीक है, और ये तो बाली कॉन्फ्रेंस, ये 2017 तक हुआ था। ठीक है, ये धन। ठीक है, अभी तो दोहा कॉन्फ्रेंस, ये कहता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए करता है, एक्सपेंड करता है ग्रीन बॉक्स को। ठीक है, इलिमिनेट करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी को। ठीक है, अभी देखो सोल्यूशन कौन कौन से, तो बियॉन्ड द 10% कैप ऑफ MSP नहीं दे करेंगे। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सर्न हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, हाई फार्म सब्सिडी को डेवलप कंट्री के द्वारा देने चाहिए, मार्केट एक्सेस में जाते तो रिस्ट्रिक्टिव SPS मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन इस पर्पस के लिए देते हैं। ठीक है, अब इंडियन एक्सपोर्ट देख लो, सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन के लिए करते हैं, रोड टेप, ये कहता है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, रोड टेप रिमिशन ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट स्कीम के लिए करते हैं। ठीक है, अभी देख लो इनिशिएटिव को से देख लो, टेक्निकल एलिगेशन होगा, TRS को बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होगा, जो किसी फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बढ़ते हैं ट्रेड रेमेडी के लिए, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हर्ड को एक्सपोर्ट हर्ड के बनाएंगे डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, अभी देखो इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस की एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेंज में है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, लो कंपटीशन की वजह से, रीजनल डिस्पेरिटी की वजह से। ठीक है, पार्टिसिपेशन डाइवर्सिफिकेशन कंपटीशन रीजनल। ठीक है, अब इंडिया को हम एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ कर सकते हैं फॉरन लिमिटेशन से, जॉब से, डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, स्टेप्स टेकन टू बूस्ट मिलेगा, तो रॉड टेप, रोड टेप का रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए, ये कहता है जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट पर। ठीक है, और रिप्लेस करता है ओल्ड मर्चेंडिस एक्सपोर्ट हो गया फ्रॉम इंडियन स्कीम के लिए, MEIS। ठीक है, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम जो करता है इंपोर्ट रॉ मटेरियल करता है 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, मैन्युफैक्चर करता है कंपनसेशन ऑन कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, ये कहता है इंक्रीज करता है MSC एक्सपोर्ट को 50% तक 2022 में, प्रोडक्शन लिन इनिशिएटिव, ये कहता था 13 हाई पोटेंशियल सेक्टर में करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये कहता है नीति आयोग इसको करता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ईच स्टेट करता है। ठीक है,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक एक्सटेंड करता है 6 मंथ का, मार्च 31, 2022 तक, ठीक है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन्हीं है, ठीक है। अभी देखो जीएसटी रिफंड पर हम ये कहता ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और मार्केट स्कीम होता है जो कि रिमबर्स करता है, और निर्भीक स्कीम का होता है जिसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट हम गारंटी देते हैं कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एक्सपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। वे हेडकों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग चीप पावर, रिफॉर्मिंग लैंड, लेबर मार्केट और क्रिएटिंग इंडस्ट्री, इस चीज़ को हमको सही करना है, ठीक है। मैन मेड फाइबर को सही करना है, टेक्निकल टेक्सटाइल को सही करना है, ठीक है। अंडर टैप मार्केट जो कि अफ्रीका उसको जो जाओ, ठीक है। अब देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वर्ल्ड ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप करना इसको डिसकंटिन्यू करता है, लुक्स डोमेस्टिक स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज के लिए करता है, और मेजर मेजर करता है रेगुलेशन को अप्लाइंग टू डेम अंडर देयर लाइफ साइकिल, इसको वो करता है, ठीक है। अब देखो इशू कौन कौन से, इरेगुलरिटी रैंकिंग में अब नहीं होगा, अब तो डिसकंटिन्यू ही कर दिया, अलग बात है। लाइबर्टी एंड बाइस हो गया, मतलब उनके क्या कन्फर्म विद वर्ल्ड बैंक विजन के साथ, इग्नोर करो डीपर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पोलिटिकल इशू को इग्नोर करो, वन साइज फिट्स ऑल ये हो गए, ठीक है। ये जब में की जरूरत है क्योंकि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सेस टू फाइनेंस और साइज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस सबको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम है नहीं, देख लो सब ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सही, देख लो वेब बेस्ड स्पाइस बनाना और एजाइल प्रोफॉर्म बनाना है, ठीक है। मॉडर्न इंसॉल्वेंसी एग्जाम ने वन स्टॉप सॉप पोर्टल बनाना है, फिलिंग जीएसटी रिटर्न नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये हो गया, ठीक है। फिलिंग जीएसटी रिटर्न नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये हो गया, ठीक है। कमर्शियल कोर्ट हो गया, ठीक है। स्क्रैप दी रेट्रोस्पेक्टिव को हटाना है, ठीक है। प्रोडक्शन भी कहता है टेक्सटाइल फॉर मैनमेड फाइबर एमएफपी करते हैं, ये कहते हैं इन्वेस्ट करता है मिनिमम 300 करोड़ के लिए और 15% इंसेंटिव देता है जो कि मिनिमम 600 करोड़ टर्नओवर होगा मैनुफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग के लिए, ठीक है। 100 करोड़ हो गए जो कि 11% इंसेंटिव्स को देते हैं, ठीक है। ये होगा ओनली मैनुफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट क्या Tier 3, Tier 4 टाउन या फिर रूरल एरियाज में हम प्रियोरिटी देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी तो चैलेंज कौन कौन से, तुमको फ्रेगमेंटेशन इनपुट कॉस्ट गुड्स एंड टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स एनवायरमेंट हो, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इनपुट कॉस्ट गुड जीएसटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स हो गया, एनवायरमेंटल इशूज हो गया, ठीक है। ये हो गया, अभी देख लो कौन कौन से होते हैं, ये देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपेरिकल पार्क बनाता है, इसको पीएम मित्रा पार्क बोलते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का अमेंड करता है, टेक्नोलॉजी को अटूप्स बोलते हैं, अमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड अपग्रेडेशन सिस्टम हो गया, 4 ईयर इंप्लीमेंटेशन करना है। समर्स कहते हैं स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए करता है, स्कीम फॉर इनोवेशन इन अपेरल मैनुफैक्चरिंग के लिए करना है, टू प्रमोट न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए करता है, स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स एकोमोडेशन इसको तीवा बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पर है, पीटीए पीटीए का प्योरली टेराफेरिक एसिड हो जो कि रॉ मटेरियल है, ठीक है। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर देख लो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें करते हैं, वॉइस डेटा और वीडियो ट्रांसमिशन तीन चीज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, अब इसमें और देख लो ग्रोथ डेवलपमेंट का रिवर्स डिमांड, यंगर पॉपुलेशन हाई रियल इनकम है, ठीक है। पॉलिसी डिमांड पब्लिक डाटा ऑफिस हमने बना रखा है, ठीक है। इंक्रीजमेंट इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ा है, ठीक है। चैलेंज कौन कौन सा, डेप्ट इन टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, सेक्टर हो गया, टैक्सेशन हो गया, एजीआर शुड इंक्लूड ऑल रेवेन्यू अर्न बाय एन ऑपरेटर इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन कोर टेलीकॉम से भी उसको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। हर जस्ट यूनिफॉर्मिटी राइट ऑफ वे रूल्स हो गया, ठीक है। स्टिप कंपटीशन इन्वेस्टमेंट इन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाई स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज SUC होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर केस में सेबी रूलर या फिर रूलर में, ठीक है। रिफॉर्म रूल्स ऑफ 4 ईयर मॉरेटोरियम देन एजीआर पेमेंट पे, डिलेड पेमेंट ऑफ लाइसेंस पे एंड स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज ये देना है, लाइसेंस देना है एजीआर का, ठीक है। नॉट हैव टू पे एनी स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज फॉर एयरवेव रिक्वायर्ड इन फ्यूचर के लिए होने चलेगा, ठीक है। इसको ये सब मेजर रिफॉर्म है। ऑक्शन कैलेंडर हैज बीन फिक्स्ड कर दिया गया हर साल लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। 100% फॉरेन डायरेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDPC 2018 अडॉप्ट किया, सिविल एविएशन सेक्टर, ये कहता 100 डेवलपमेंट प्लांट है, 4 न्यू एयरपोर्ट रखना है, अगरखरला कुशीनगर जेवर और ग्रेटर नोएडा में, सेकंड टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ रखना है देहरादून, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंदर आता है MRO सर्विस, ये कहता मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हो गया जो कि रिपेयर सर्विस या फिर इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये देख लो न्यू पॉलिसी पीरियड क्या होता है, लीजिंग ऑफ लैंड के लिए होता है, लैंड अलॉटमेंट ऑफ एंटिटीज सेटअप फॉर MRO फैसिलिटी और मेटेरियल सिविल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब उसमें कुछ खास करें चैलेंजेस कौन कौन से, तुमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया, स्किल शॉर्टेज हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूल शॉर्टेज स्किल शॉर्टेज हो गया, ठीक है। रेगुलेटरी का तो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, DGCA हो गया, बैक्स हो गया, एरा हो गया, फंक्शन क्या है इसका देख लो, एयरटेल का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करता है, DGCA क्या सेफ्टी ऑपरेशन के लिए देखता है, बैक्स ये तुमको क्या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड देखता है, और ये एरा क्या तुमको रेड्यूस टैरिफ और फी को देखता है, ठीक है। नॉट इंडियंस और देख लो, ठीक हो। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या कहता है गाइडलाइन रखना, हर डिवाइस को कनेक्ट जो इंटरनेट से कलेक्टेड होगा, एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट देखना, ठीक है। टोकनाइजेशन रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव, इसको टोकन बोलते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस कॉन्टैक्टलेस कार्ड,
ट्रांजेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ सेल, ये तुम टर्मिनल और क्यू आर कोड पेमेंट के लिए परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो कि हम पॉइंट ऑफ सेल पर डालता हूँ, क्यू आर कोड पेमेंट के लिए मर्चेंट विल नॉट सेव द कार्ड, नहीं करेगा और 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में कहता है डाटा सेविंग सिस्टम है ये, देख लो ऑब्टेन कंसोलिडेट ऑल द फाइनेंशियल डेटा ऑफ सब करते हैं इसमें, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है तो क्रेडिट वर्डनेस ऑफ स्मॉल बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। गवर्नेंस फॉर न्यू कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर कमिटी ऑन क्रेडिट अंडर इंसॉल्वेंसी, देख लो हेयर कट क्या मतलब क्या होता है, लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन एसेट बिंग यूज एज कोलेटरल, मतलब उसका कोलेटरल का जो कर उसका वैल्यू ही कम है, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेब्टर और ऑपरेशनल डेब्टर, फाइनेंशियल क्रेडिटर किसको होता है, क्रेडिट डेब्टर को ऑपरेशन क्रेडिटर को, ठीक है। अभी से क्या तो वन स्टेप सोल्यूशन ये टाइम बार प्रोसेस होता है फॉर इंसॉल्वेंसी के लिए, ठीक है। सेबी ये क्या तुम सोशल पर्पज के लिए यूज करते हैं, नीड क्या क्या तुमको मार्केट एक्सेस हो गया, बर्डन गवर्नमेंट हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। अभी देख लो 15 ब्रॉड एलिजिबल सोशल एक्टिविटी जो कि इंप्रूव करता है सेबी, ठीक है। अभी इसमें कुछ काम का है नहीं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये कहता है लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए होता है, थर्ड क्वाड्रेंट विल बी एमएसएमई लैंडिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था तुमको थीम्स का क्या है रिटेल पेमेंट 2019 में, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए 2020 में, ठीक है। टी प्लस वन ये क्या था सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या था डिक्लेयर्ड विद इन वन डे ऑफ डिक्लेरिंग, मतलब एक दिन के अंदर इसको करना है स्पेशल ड्राइंग राउट, ये तो क्या था एसेट होता है सप्लीमेंट टू मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल, इसमें क्या क्या था तुमको यूएस डॉलर था, यूरो था, चाइनीज रेमबी होता और जापानी जेन था, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग आता, ठीक है। ये चीज होते हैं, ठीक है। अब देखो एमओएफ क्या था एसोसिएशन विद मिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन फ्रेम, हुआ ने मिलकर क्या दिन दयाल अंत्योदय योजना बनाया जिसको निर्बल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता है डे एनयूएलएम विद इंस्पोर्टर, ठीक है। अब एमओएफ क्या तुमको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका काम क्या है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइज होना है और अनऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रेल कौशल विकास योजना इसमें क्या करना है तुमको ये देख लो 5,000 कैंडिडेट रखना है इसको 3 साल तक रखेंगे और 3-4 ट्रेड में तुमको इलेक्ट्रिशियन हो गया वेल्डर हो गया मैकेनिज्म होगा फिटर होगा इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग कितना 100 आवर्स का देता है, ठीक है। डिजी सक्षम भी कहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने दिया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग डिजिटल स्किल देना और ट्रेनिंग इसमें देना थ्रू नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस पोर्टल होगा, ठीक है। अब ये देख लो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है। कोलेबोरेट विद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अक्रॉस के थ्रू करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना, स्ट्रेचरी हो गया, ठीक है। आंसर ब्लू क्या है तुमको नेशनल में ये क्या स्ट्रेचरी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग से ये तुमको क्या तुमको स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। असिस्टेंट किसके लिए देता है इसको इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्राइड के लिए हम देते हैं, ठीक है। अभी देख लो फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी होगा क्लीन प्रोजेक्ट और ईटीसी इंडिया फर्स्ट यूरो बॉन्ड डोमेटिक ग्रीन बॉन्ड ये ग्रीन प्रोजेक्ट रिन्यूएबल क्लीन ईटीसी होगा येस बैंक इसके फर्स्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो सेंट्रल फार्मर डेटाबेस फ्रॉम 5.5 क्या तुमको नेशनल फार्मर डेटाबेस इसमें क्या होता है लिंकेज करना टू स्टेट लैंड रिकॉर्ड डन जैसे कर्नाटका ने किया है, ठीक है। इंडिया क्या डिजिटल इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर ये क्या तुमको नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है तुम एग्रीकल्चर में यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म रखना है, ठीक है। इसमें देख लो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रखते विल बी सेटअप बाई मिनिस्टर पावर डेट विल ओवरसी ऑल पावर रिलेटेड स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है तुमको ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन एमपीएस इस ईयर में रखना है और अदर एमपी कौन सा कुछ ईयर पर रखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट 24/7 पावर रखना है जो कि रिलायबल और सस्टेनेबल अफोर्डेबल होगा, ठीक है। ये देख लो इंडिया जस्ट टू स्पॉट 46 ये कहता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वीपो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मिलकर इसको पब्लिश करता है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तीनों कहता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया ऑर्गेनाइजेशन हो गया ग्लोबल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मिलकर, ठीक है। ट्रैकिंग करता है इन्वेस्टमेंट को थ्रू COVID-19 इंडिया इन्वेस्टमेंट एक्सेस I3 ये क्या था रिलीज कौन करता है नीति आयोग करता है नीति आयोग इसको रिलीज करता है, ठीक है। याद है, ठीक है। अभी देख लो यूएनसीडी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको कौन करता है निगेटिव इंपैक्ट ऑफ फूड इन्वेशन ऑन प्राइवेट कंजम्पशन पर निगेटिव इन्वेस्टमेंट बस इतना याद रखो और क्या।